आप सभी को पता है कि इंडिया में बहुत ज्यादा गर्मी है, टेम्परेचर 50+ ही हुआ पड़ा है। अगर आप लोगों को कहीं बाहर जाना है तो आप 10 बजे से पहले ही बाहर चल जाएं और शाम को 6 बजे के बाद ही आएं। और जो लोग पेशेंट हैं या फिर बुजुर्ग लोग हैं या फिर जिन ओल्ड लेडीज में मीनोपोज आया हुआ है, वो बाहर जाना अवॉइड करें, वो ठंडे स्थान पर रहें, छाया में ही रहें। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप अपने चेहरे को, सर को पूरा ढककर ही जाएं। अब हम जानेंगे कि गर्मियों में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले तो गर्मियों में चाय, कैफीन, एल्कोहल को बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन करते हैं हमारे बॉडी में, और जो कि फास्ट फूड होता है, स्पाइसी फूड होता है, उनको नहीं खाना चाहिए, और भारी खाना नहीं खाना चाहिए। अब हम जानेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले हमें हाइड्रेटेड रहने के लिए खूब सारा पानी पीना चाहिए, जिसमें नारियल पानी, नींबू पानी पीना चाहिए, दही छाछ भी पीना चाहिए, या फिर अगर आपको ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप ORS या फिर इलेक्ट्रोलाइट घोल के भी पी सकते हैं। और गर्मियों में हल्के ढीले ढाले कपड़े पहने, ज्यादा गर्मी हो तो हैवी एक्टिविटी ना करें, जैसे कि जिम या फिर कोई भारी काम नहीं करें। गर्मियों में हल्का खाना खाएं, और आप खाने में सलाद सलाद खा सकते हैं, जिसमें खीरा, टमाटर, ककड़ी, फल में आप तरबूज तरबूज खरबूज या फिर जो भी वाटर वाले फ्रूट्स होते हैं वो आप खा सकते हैं। और जिन पेशेंट को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या फिर टाइप 2 डायबिटीज, माइग्रेन, अस्थमा, हाइपरटेंशन, ऑर्थराइटिस, किडनी डिजीज या फिर मेंटल हेल्थ कंडीशन या फिर ऑटोइम्यून डिजीज या एनीमिया होता है, या फिर जिनको बार बार डिहाइड्रेशन होता रहता है, वो बाहर जाना अवॉइड करें।